1947 में भारत जब आजाद हुआ, इंडियन जीडीपी का 54% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर करता था। तब से लेकर आज तक भारत सरकार किसानों की हालत सुधारने की, उनकी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक किसानों की हालत सुधरा नहीं है। तो ये जो एपीएमसी एमएसपी ये बार बार बोला जा रहा है, जब ये आया नहीं था तब सिचुएशन कैसा? उससे पहले क्या होता था, किसान जो था उसे खेती करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते थे, तो उन पैसों के लिए वो जाता था जमींदारों के पास। जमींदारों से पैसे लेकर वो अपना खेती करता था। जब वो अपने जमीन पर फसल उगा लेता था तो उन्हें जब बेचने के लिए वो जाता था, उसके लिए एक पूरा मार्केट खुला था, कहीं पर भी वो अपना फसल बेच सकता था। लेकिन खरीदेगा कौन? खरीदेगा वही जिसके पास स्टोरेज फैसिलिटी हो, जो फसल उसने उगाया है उसको रखने के लिए जगह होना चाहिए, उस फसल को खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास स्टोरेज फैसिलिटी होता था, जिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे होते थे, वही लोग ये सामान खरीदते थे। तो ये फिर वही जमींदार लोग हो गए जिनके पास पैसा होता था, जगह होता था सामान खरीदने के लिए, फसल खरीदने के लिए। ये लोग क्या करते थे, किसानों को बोलते थे कि हम आपको ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम अपने प्राइस पर आपसे सामान खरीदेंगे। इससे क्या होता था कि किसानों को अपने फसल का सही दाम नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर सरकार आई, सरकार को लगा कि हमें ऐसी कोई कानून लेकर आना चाहिए जिससे कि किसानों को अपने फसल का सही दाम मिल सके। पहले तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1955 में, उसमें क्या था कि ये जो होर्डिंग कर रहे थे इसको इलीगल बना दिया, कुछ क्रॉप्स इसके अंदर लाया गया कि ये फसल के जो होंगे इन्हें आप होर्डिंग नहीं कर सकते, इसे इलीगल बना दिया गया। फिर 1966-67 के बीच में आया एपीएमसी और एमएसपी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप लोग यहाँ पर किसी को भी बेचने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं लोगों को सामान बेचिए, अपना फसल बेचिए जिनको हम लाइसेंस देंगे। तो यहाँ पर आ गया रेगुलेटिंग। तो कुछ ही लोगों को, यहाँ पर 4-5 लोगों को लाइसेंस दिया गया और यही लोग जो थे यहाँ पर सामान खरीदेंगे। तो इनको ये मोनोपोली नहीं दी गई कि आप अपने हिसाब से रेट से तय करके खरीदेंगे, इनको एक एमएसपी दिया गया, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस प्राइस के नीचे आप तो फसल खरीद नहीं सकते, इस प्राइस के ऊपर आप किसी भी प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो किसान से थोड़ा पैसा एज ए टैक्स लिया गया और जो ट्रेडर जो खरीद रहा है उससे थोड़ा पैसा एज टैक्स लिया गया, और उन पैसों से जो मंडी जहां पर बेचा जाएगा सामान, जैसे कि पंजाब एरियाज में मंडी बोला जाता है और ज्यादातर राज्यों में, भारत के राज्यों में सोसाइटी के नाम से भी ये ज्यादा परिचित है, तो उनको डेवलप करने के लिए, वहां के रोड, स्टोरेज फैसिलिटी बनानी है, इन सब के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब होता क्या था कि ये जो ट्रेडर्स जो किसानों से सामान खरीदते थे, फसल खरीदते थे, ये लोग लेकर कंपनीज को बेचते थे, कंपनीज डायरेक्टली किसानों से फसल नहीं खरीद सकते थे। तो इसमें ये जो एपीएमसी एक्ट था, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स देखने को मिले, कि इसलिए जो ट्रेडर्स थे इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम वही सिर्फ जो एमएसपी सरकार ने तय किया है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने तय किया है, हम उसी प्राइस पर ही खरीदेंगे, उससे ज्यादा में खरीदेंगे ही नहीं। इससे हुआ क्या कि भारत में ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर किसान जो है वो छोटे किसान है, यानी किसी के पास एक जमीन है, किसी के पास दो जमीन है, तो ऐसे में मंडी तक जाने में जो खर्चा आता था, जो फसल है उसका पैकिंग का खर्चा हो गया, ये सब लेकर जब वो सोसाइटी में जाता था तो उससे एक तरह का लॉस ही हो जाता था। तो यहाँ पर आ गए मिडिलमैन। ये मिडिलमैन क्या करते थे, जो जितने भी उस एरिया के छोटे किसान होते थे उन लोगों से कम दाम पर खरीदते थे, क्योंकि ये जो मिडिलमैन होते थे ये बेचेंगे एमएसपी के प्राइस पर उन ट्रेडर्स को जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं। तो इससे जो मिडिलमैन हो गए ये ज्यादा प्रॉफिट पाने लगे, उनके ऊपर भी एजेंसीज आ गई जो कि कंपनीज को सामान बेचेगी। तो इसके वजह से जो सामान पर क्विंटल 10 रुपए या 12 रुपए बेचता है किसान, वो जब कंपनी खरीदता है 20 से 22 रुपए हो जाता है। और जब उसका प्रोडक्ट बनाकर, मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं का जब आटा बनाकर वो कंज्यूमर को जब देता है, जो लोग खाने वाले हैं उनको जब देता है, तो उसका प्राइस 30 से 40 रुपए हो जाता है, जबकि जो एक्चुअल प्राइस किसान को मिला है वो मिला है 10 से 12 रुपए। तो एपीएमसी में ये सब प्रॉब्लम था।